नमस्ते, मैं हूँ लक्ष्मी। एलेंस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजरात की फेमस रसपुरी। ये बहुत ही टेस्टी और बनाने में आसान है, तो इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आम रस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 किलो आम। आप कोई भी आम ले सकते हैं। इसे धोकर छील लेंगे। आम को हमने छील लिया है, अब इसे काट कर इसका पल्प निकाल लेंगे। सारे आम को हमने काट लिया है, अब इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच शक्कर। आम भी मीठे हैं तो शक्कर हम कम ही डालेंगे, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा बर्फ़ डाल देंगे। अगर आप ठंडा नहीं चाहते हैं तो बर्फ़ की जगह थोड़ा नॉर्मल पानी डाल सकते हैं। अब हमें इसे मिक्सी में स्मूथ पीस लेना है। आम को मैंने स्मूथ पीस लिया है, अभी ये ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा और पानी डालकर पीस लें, या इतना ही गाढ़ा भी रख सकते हैं। आम रस तैयार है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में ठंडा होने के बाद सर्व करें या ऐसे ही। अब पूरियां बना लेंगे। पूरी के लिए लेंगे गेहूं आटा, इसमें डालेंगे थोड़ा अजवाइन हाथों से ऐसे क्रश करके, थोड़ा नमक, इसका थोड़ा कड़ा आटा गूंथ लेंगे। आटा हमारा गूंथ गया है, अब इसके छोटे छोटे पेड़े काट कर बेल लेते हैं। मैं ऐसे ही अच्छी रेसिपीज लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन दबा दें। इस तरह से पूरियाँ बेल लेंगे। पूरियाँ तलने के लिए तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, जिससे पूरियाँ फुली फुली और फटाफट बनेगी। पूरी हमारी तैयार है, अब इस तरह से सारे पूरियाँ तल लेंगे। पूरियाँ तैयार है, अब इसे सर्व करते हैं। मज़ेदार रस पूरी तैयार है, इसे ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।